बहुत ही खूबसूरत लहजे से मुलाकात का शरफ हासिल किया जाए। हाजरीन, जो बारहा आपके बनारस में नातिया मुशारे के हवाले से भी आया है और आपकी ढेर सारी मोहब्बतें मिलती हैं आपकी, तो आपके मुल्क हिंदुस्तान से बाहर निकलकर कुवैत जैसी सिटी में आपके मुल्क हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आता है, वो नाम है मोहतरम भाई वसीम रामपुरी आपका। मैं आपसे तमाश कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि आपके मेहमान शायर है, आप पूरे मजमे से मिलकर जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें जनाबे वसीम रामपुरी भाई। दोस्तों सिर्फ एक गजल, हाँ कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक गजल में अगर काम हो रहा तो क्या दिक्कत है। एक गजल का सिर्फ हुक्म है आप अच्छा सुनने, कम में काम चल रहा तो क्या है भाई साहब, सुनेगा चार मिसरे पढ़ दो। चुनेंगे फूल सारे जितने हैं कांटे, मसल देंगे वतन के, हाँ ऐसे आप भी सुनिए जी। चुनेंगे पहले इस्तेमाल करो, चुनेंगे फूल सारे जितने हैं कांटे, मसल देंगे वतन की सर जमी पर हम वफा का इत्र मल देंगे, हम उनको फूल दे देंगे, हम उनको फूल दे देंगे जिनके हाथ में बात है, ये जो नजरत है इसको हम मोहब्बत से। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह। अरे एक बार इनके लिए तालियां, माशाल्लाह। वक्त बहुत कम है, देखिए हाजरीन वक्त दरकार है, हमें इसका लिहाज रखना है। आप वहीं से एक एक शेर पर तालियां बजाकर इस्तकबाल कर लें, यही हमारी मोहब्बत है, यही हमारे लिए बड़ी चीज है। आप ये चार मिसरे अच्छे लगे ना, एक मरतबा जोरदार तालियां बजाकर बताएं आप हजरात की आप सुन रहे हैं। चुनेंगे फूल सारे जितने हैं कांटे, मसल देंगे वतन की सर जमीन पर हम वफा का इत्र मल देंगे, हम उनको फूल दे देंगे जिनके हाथ में बात है, ये जो नफरत है इसको हम मोहब्बत से बदल देंगे। मैं दमदार भाई कहो, एक मतलब बनारस वालों मेरी पहचान है गजल, अब सुन आप सुन के बताएं कि रेजा रेजा बिखर गए होते, रेजा रेजा क्या कहना, वाह वाह। अब लगा जमील, देखो ये बनारस वाले, फिर से, अरे वाह बनारस वालों, आप जिंदा दिल लोग हैं, समा तुम्हें कि रेजा रेजा बिखर गए होते, रेजा रेजा बिखर गए होते, तुम ना होते तो मर गए, सच 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 सच। आप भाई साहब इसलिए फूल मुझे देने आए थे कि YouTube चल रहा, आप पे इल्जाम न लग जाए किसी मोहतरमा को आपने गुलदस्ता दिया था, अब मुझे नहीं भाभी देख रही होंगी YouTube लाइव चला रहे हैं, तो ये इल्जाम आप उतार रहे हैं कि सच 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 अगर बोल दे महफिल में, सच अगर बोल देता महफिल चेहरे उतर गए, आप कमजोर पड़ रहे हैं, फिर से सच सच, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक एक दीजिए, एक एक दो शेर में चले जाएंगे, मैं सोच रहा था
सुनिएगा सच मैं जल्दी जल्दी 20-20 खेल रहा हूँ सुमत मैं सच 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 अगर बोल दे तमें फिल में सच अगर बोल दे तमें फिल में कितने चेहरे उतर गए हम दमदार साहब हम मोहन साहब हम है नासूर मिट नहीं सकते। हाँ ये तेरे लिए भाई ये इस भाई के लिए है। अब बहुत बड़ा शेर बनारस वालों संभाल लेगा कि हम है नासूर मिट नहीं सकते हम है नासूर मिट नहीं सकते जख्म हो तो भर गए जख्म होते तो भर गए होते। भैया एक बार में तो समझ लो भैया पांच मुझे पांच शेर पढ़ने के लिए कहा गया कि अच्छा हम हो गया भाई सुने ये कह रहे हो गया कि देख लेते जो भाई साहब आप क्या कह रहे थे लाइट गजल मुझे लगा आप असली बनारस वाले हैं समात्र मैं कि देख लेते जो आपका चेहरा। हालांकि दमदार साहब ने दो शायरा बुलाई है लेकिन मुझे तीन महसूस हो रहा है सिर्फ इनको रुपट्टे की कमी है जमील भाई को सिर्फ दुपट्टा अगर दे दिया जाए। देखिए हाजरीन ये मेरे बाल से जल रहे हैं वसीम भाई क्योंकि अभी बहुत रुपया खर्च किया वसीम भाई ने ये आपको नहीं मालूम है आगे के पूरे चले गए थे तो ये मसला होता है ये नकली लगा के भाई बहुत रुपया खर्च किया है ये बाल से सिर्फ जली से और कोई जोरदार तालियां बजाए वसीम भाई के लिए ताकि ये आपका हौसला मिला तो आगे देख ले जो आपका चेहरा देख लेते जो आपका चेहरा लोग क्यों चांद पर गए लोग क्यों चांद पर गए लोग क्यों चांद पर गए आईना आखिरी शेर बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं समात्र मैं आईना अपने सामने रख कर आईना अपने सामने रख कर काश तुम भी सवार गए ग्रामी जनाबे वसीम रामपुरी से आप बेलौज मोहब्बत करते हैं तो मैं चार मिसरों के लिए मैं बुला रहा हूँ वसीम भाई आप आ जाए और चार मिसरे वो पढ़ दीजिए जो आपने दमदार भाई को भेजा था रिकॉर्डिंग में आए और वो चार मिसरे जरूरी आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए फिर आपने निकाला दोस्तों अच्छा सुनेगा जी एक गजल अच्छा वक्त नहीं दो मिनट में काम करता हूँ सुनेगा वो पहले पढ़ो वसीम भाई चाहता हो जो अच्छा सच सच अगर बोल दे तमें फिल में कितने चेहरे उतर गए होते तुम भी सवर गए होते आज तुम भी सवर गए। और बनारस वालों वक्त बहुत कम है मैं किसी का हक नहीं मानना चाहता हूँ वरना मेरे पास ऐसे कई गजलें गीत हैं मोहन साहब को पढ़ना है और मुझसे सीनियर शोरा को पढ़ना है एक मतलब दो शेर आप कह रहे थे वो सुना रहा हूँ कि प्यार में डूबे हुए आबादियां अच्छी लगी सुनेगा प्यार में डूबे हुए आबादियां अच्छी लगी शहर से बढ़कर मुझे ये बस्तियां
फातिमा से प्यार था। बहुत बड़ा शेर संभालिएगा सब बनारस वालों, दमदार भाई, कि फातिमा से प्यार था शाहे तो आलम को बहुत सुनेगा। फातिमा से बेटी बचाओ बेटी बचाओ, अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले हमको बताया है उस तरीके पे समात्र में, कि फातिमा से प्यार था शाहे दो आलम को बहुत, इसलिए हमको भिखर में बेटिया में प्यार प्यार में दो जब परदेश से घर आ गया। सुनेगा बात तक पहुंचाता हूँ, बाद मुद्दत के मैं जब परदेश से घर आ गया, मैं बनारस वालों आप बहुत अच्छा सुनते हैं। आखिरी शेर इधर से इशारा मुझे मिल चुका है कि कुछ मक्का हाँ कुछ मक्का हाँ कुछ मक्का अभी है तहजीब वो शराफत के अमी। आप अगर इस पे दाद नहीं देंगे तो मैं समझूंगा अभी आप शेर समझ के दाद नहीं देते हैं। कुछ मक्का हाँ कुछ मक्का अभी है तहजीब वो शराफत के अमी जिनमें